हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो अबाउट राजा कृष्णदेव राय, दैट इज गिवन ऑन योर SR8। देखिए बेटा, कृष्णदेव राय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ साउथ इंडिया। जो कृष्णदेव राय थे वो साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के महानतम नेताओं में से एक थे। ही बिकेम द किंग ड्यूरिंग द टफस्ट पीरियड ऑफ विजयनगर किंगडम। देखिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा बने तो उस समय विजयनगर में बहुत ही मुश्किल का दौर चला हुआ था, है ना। ही बिकेम द किंग ड्यूरिंग द टफेस्ट पीरियड ऑफ द विजयनगर किंगडम। कि विजयनगर साम्राज्य में, किंगडम में बहुत ही मुश्किल, कठिनाइयों का समय चल रहा था जब कृष्णदेव राय राजा बने। पीपल इन विजयनगर वर पुअर एंड अनहैप्पी। देखिए बेटा, विजयनगर जो साम्राज्य था उसके लोग बहुत ही गरीब थे और अनहैप्पी थे, यानी कि अप्रसन्न थे। किंग फ्रॉम अदर एम्पायर्स हुड कीप अटैकिंग विजयनगर, है ना। किंग्स फ्रॉम अदर एम्पायर्स, जो राजा थे ना दूसरे राज्य के जो राजा थे वो विजयनगर पर अटैक करते रहते थे। वह कृष्णदेव राय बिकेम द किंग, और जब कृष्णदेव राय राजा बने, ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ विजयनगर। तो कृष्णदेव राय ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि वो इम्प्रूव करेंगे, सुधारेंगे द कंडीशन ऑफ विजयनगर, विजयनगर की कंडीशन को, विजयनगर के हालात को सुधारेंगे। ही फॉट बैटल्स विद किंग ऑफ मैनी बिग एम्पायर्स। ही फॉट, उन्होंने लड़ी बैटल्स, लड़ाइयाँ, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी विद किंग्स ऑफ मैनी बिग एम्पायर्स, बड़े बड़े साम्राज्यों के राजाओं के साथ, है ना। जिन राजाओं के पास बड़े बड़े राज्य थे, साम्राज्य थे, उन राजाओं के साथ कृष्णदेव राय ने बहुत सारे बैटल्स लड़ी। बैटल्स मतलब युद्ध लड़े। वन सच एम्पायर वाज बीजापुर, और इनमें से एक ऐसा एम्पायर था बीजापुर। ही फॉट विद द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1520 एट वॉन। देखिए बेटा, कृष्णदेव राय 1520 यानी कि 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से लड़े, यानी कि युद्ध किया, एंड वॉन, और उस युद्ध में जीत गए। ड्यू टू दिस विक्ट्री, और इस विजय के कारण, विक्ट्री होता है बेटा विजय, जीत, और इस जीत के कारण विलेजेस ऑफ विजयनगर वर सेव्ड फ्रॉम रेगुलर रेड्स। तो विजयनगर के जो गांव थे बेटा वो बचा लिए गए कृष्णदेव राय के द्वारा फ्रॉम रेगुलर रेड्स, जो बार बार रेड्स होते थे, रेड यहाँ पर अटैक, यानी कि दूसरे राज्यों के राजाओं द्वारा जो विजयनगर के गांवों पर अटैक किया जाता था, उन अटैक से, उन आक्रमणों से कृष्णदेव राय ने अपने लोगों को बचा लिया। कैसे बचा लिया? क्योंकि उसने उन सभी राज्यों को जीत लिया, सभी राजाओं के साथ लड़ाई की और फिर उस युद्ध को जीत लिया, और जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से कृष्णदेव राय ने अपने लोगों को उन आक्रमणों से बचा लिया। ही वॉज ऑलवेज कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। कृष्णदेव राय अपने लोगों की भलाई के बारे में हमेशा कंसर्न, कंसर्न होता चिंतित रहते थे, है ना। वेलफेयर होता है हित, भलाई, अच्छाई। कि कृष्ण देव राय अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। टू हेल्प हिज पीपल, और अपने लोगों की मदद के लिए ही डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द पोर्टुगीज ट्रेडर्स। ही डेवलप्ड, उन्होंने बना लिए फ्रेंडली, मैत्री भाव से रिलेशंस, संबंध विद द पोर्टुगीज ट्रेडर्स, जो पुर्तगाल से व्यापारी आते थे ना उनके साथ, कि अपने लोगों की मदद करने के लिए, अपने लोगों की सहायता करने के लिए कृष्ण देव राय ने
जो व्यापारी पुर्तगाल से आते थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए, यानी कि उन लोगों से मित्रता कर ली ताकि मेरे लोगों का फायदा हो जाए। दे ट्रेडेड अरबियन हॉर्सेज एंड वेपन्स टू द विजयनगर एम्पायर्स। और वो व्यापारी जो पुर्तगाल से आते थे, है ना, ट्रेडर्स व्यापारी पोर्टुगीज पुर्तगाली, और जो व्यापारी पुर्तगाल से आते थे ट्रेडेड, वो व्यापार करते थे अरेबियन हॉर्सेज अरबी घोड़ों का एंड वेपन्स और हथियारों का टू द विजयनगर विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। और वो व्यापारी लोग विजयनगर साम्राज्य में अरबियन घोड़ों का व्यापार करते थे और हथियारों का व्यापार करते थे। पोर्टुगीज इंजीनियर्स हेल्प इन इम्प्रूविंग द सप्लाई ऑफ वाटर इन विजयनगर सिटी। अब जो पोर्टुगीज इंजीनियर थे, है ना बेटा, जो पुर्तगाली व्यापारी विजयनगर साम्राज्य में आते थे, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ इंजीनियर्स लोग थे, तो जो पुर्तगाली इंजीनियर थे उन्होंने हेल्प की विजयनगर की, किस चीज में, इम्प्रूविंग द सप्लाई ऑफ वाटर, कि पानी की सप्लाई को सुधारने में, है ना, कि विजयनगर में जो पानी की सप्लाई होती थी उसको और अच्छा बनाने में, और ज्यादा बनाने में, पानी की सप्लाई अच्छे से करवाने में पुर्तगाली इंजीनियर्स ने मदद की। कृष्ण देव राय टूर्ड हिज एम्पायर। टूर्ड होता है बेटा घूमना फिरना भ्रमण करना, है ना। राजा कृष्ण देव राय अपने साम्राज्य में भ्रमण करते थे एंड एड्रेस्ड कंप्लेंट्स ऑफ हिज पीपल। एंड एड्रेस्ड, एड्रेस यहाँ पर होगा बेटा समाधान करना, और अपने लोगों की शिकायतों का समाधान करते थे। ही इज ऑफन कंपेयर्ड विद द ग्रेटेस्ट इम्प्रेस ऑफ एशिया एंड यूरोप। और देखिए जो कृष्ण देव राय है ना, अक्सर उनकी तुलना जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप है ना, उनके महानतम राजाओं में से की जाती है ना। एम्परर, एम्परर होता है सम्राट, राजा, बड़ा राजा, है ना। तो यहाँ पर कृष्ण देव राय की जो तुलना है वो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, है ना बेटा, कंटिनेंट, वी नो वी हैव सेवन कंटिनेंट इन द अर्थ, है ना। तो यहाँ पर जो एशिया और यूरोप महाद्वीप है, कंटिनेंट है, उनके सम्राटों से कृष्ण देव राय की तुलना की जाती थी। यहाँ पर ऑथर का कहने का मतलब है कि कृष्ण देव राय एक बहुत ही महान सम्राट थे। कृष्ण देव राय रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। और देखिए बेटा कृष्ण देव राय जो है ना, वो रेस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का, है ना, कि कृष्ण देव राय की तरफ से सभी धर्म समान है, वो सभी धर्मों का आदर करते थे। ही डोनेटेड मैनी ज्वेल्स टू त्रिमाला वेंकटेश्वर टेम्पल। और कृष्ण देव राय ने बहुत सारे आभूषण दान में दे दिए टू त्रिमाला वेंकटेश्वर टेम्पल। जो त्रिमूला वेंकटेश्वर टेम्पल है ना, उसको, उस मंदिर में दान दे दिए बहुत सारे आभूषण। ही वॉज नोन बाई डिफरेंट टाइटल्स। और यहाँ पर ऑथर कहता है कि कृष्ण देव राय विभिन्न उपनामों से भी जाने जाते हैं, है ना। उसके बहुत सारे उपनाम थे, कृष्ण देव राय द ग्रेटेस्ट एम्पायर, है ना, द कन्नड़ राज्य, रमन राम रमना, ठीक है। तो बहुत सारे उपनाम, उनकी महानता के कारण, उनकी अच्छाई के कारण कृष्ण देव राय को बहुत सारे उपनाम भी दिए गए, सच एज, जैसे कि कन्नड़ राज्य राम रमना। कन्नड़ राज्य राम रमना मीन्स लॉर्ड ऑफ कन्नड़ एम्पायर, कि कन्नड़ साम्राज्य का भगवान, है ना, ये टाइटल दिया गया लोगों के द्वारा कृष्ण देव राय को। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट किंग एंड वेरी गुड किंग।
ही वॉज कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था। दैट इज व्हाई ही वॉज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ कन्नड़ एम्पायर, ठीक है, इसीलिए उसको लॉर्ड ऑफ कन्नड़ एम्पायर कहा गया कि कन्नड़ साम्राज्य का भगवान। ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स इन हिज कैपिटल हम्पी, और देखिए जो हम्पी राजधानी थी विजयनगर की, विजयनगर कृष्णदेव राय का साम्राज्य था और उस साम्राज्य की राजधानी थी जिसका नाम था हम्पी। तो कृष्णदेव राय ने बहुत सारे मंदिर बनाए अपनी राजधानी हम्पी में। हजारा राम, ए टेम्पल ऑफ हम्पी इज वन ऑफ द आर्किटेक्चरल मार्वेल्स, और जो हजारा राम मंदिर है हम्पी के अंदर, वो वास्तुकला का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, यानी कि बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो वास्तुकला होती बेटा भवन निर्माण शैली, उस शैली का ये एक बहुत ही अजूबा है, बहुत ही चमत्कार है, मार्वल्स। एवरी ईयर मैनी टूरिस्ट विजिट द सिटी ऑफ हम्पी, और हर साल बहुत सारे टूरिस्ट, टूरिस्ट होता है पर्यटक जो घूमने आते हैं ना विदेशों से, उनको हम टूरिस्ट बोलते हैं। एवरी ईयर मैनी टूरिस्ट विजिट द सिटी ऑफ हम्पी, कि हर साल बहुत सारे टूरिस्ट हम्पी शहर में आते हैं। दिस सिटी हैज बीन लिस्टेड एज ए यूनेस्को हेरिटेज साइट, और इस शहर को यूनेस्को का एक विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है बेटा। यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये यूएनओ का एक ब्रांच होता है, ठीक है। और जो भी सांस्कृतिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से जो भव्य स्थल होता है उसको ये अपनी कस्टडी में, निगरानी में ले लेता है, ठीक है। तो इस शहर को यूनेस्को का हेरिटेज बना लिया गया है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये थी हमारी स्टोरी राजा कृष्णदेव राय के बारे में। अभी हम इसकी जो वोकैबुलरी वर्ड्स है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रेड, द मीनिंग ऑफ रेड, रेड मीन अटैक, ए सडन अटैक, है ना, अचानक हमला करना, ए सडन अटैक बाय समवन, किसी के द्वारा अचानक हमला कर देना, है ना। डेवलप्ड, डेवलप मतलब ग्रो, बढ़ाना या विकास करना, है ना, ग्रो बढ़ाना, बिकम मैच्योर या मैच्योर बनाना। कंप्लेंट्स, अब बेटा कंप्लेंट्स क्या होता है, हिंदी में होता है शिकायतें, है ना, जब हमें किसी शिकायतें हो, शिकायत होती है ना, तो हम बोलते हैं कि हमने कंप्लेन की है, हमें कंप्लेन है ना। तो यहाँ पर कंप्लेंट्स का मतलब होता है टू टेल समवन दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, किसी को ये बताना कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई समस्या है, दिस इज कॉल्ड अ कंप्लेंट, इसको हम कंप्लेंट कहते हैं। हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब हो बेटा समथिंग दैट हैज ग्रेट हिस्टोरिक वैल्यू, कि वो चीजें जिसकी ऐतिहासिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना। सो हियर आर द वर्ड्स फॉर वोकैबुलरी, है ना। आई होप आपको अच्छे से ये स्टोरी समझ में आ गई होगी बेटा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है आई विल सेंड यू लेटर, ओके।